तूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, आज ही इस्तेमाल कीजिए तूफा हर्बल हेयर ऑयल। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि भोदन से है, क्योंकि भोदन में भी अब बहुत अच्छे अच्छे काम होने लगे हैं। आज भोदन के शक्कर नगर में 23 वार्ड नंबर में वेजिटेबल मार्केट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। बीआरएस एमएलए शकील आमिर के हाथों से इसमें बीआरएस का तमाम कॉरपोरेट्स और म्यूनसिपल चेयरमैन टिम्मू पद्मावती और भोदन आरडीओ राजेश्वर, म्यूनसिपल कमिश्नर खमर अहमद मौजूद थे। इस मार्केट को 7.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं भोदन से। टेबल मार्केट का आगाज किया गया, आज फाउंडेशन स्टोन डाला गया। यहाँ पे हमारे म्यूनसिपल चेयरमैन मैडम, हमारे काउंसलर साहब मीर नज़ीर अली डब्बू साहब और वाइस चेयरमैन साहब, शक्कर नगर के काउंसलर्स राधा कृष्णा साहब, हमारे फ्लोर लीडर धूप सिंह साहब, हमारे इम्तियाज़ भाई और हमारे हामिद साहब, धूप सिंह साहब, अशवाक साहब, पाउल अन्ना, अब्दुल्ला साहब, जावेद साहब, तमाम काउंसलर्स, हमारे ऑप्शन मेंबर रफी साहब, हमारे गंगाराम साहब, तमाम लोग इधर हाजिर है। यहाँ पे 7.5 करोड़ रुपए से एक इंटीग्रेटेड मार्केट का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें लोगों की सहूलत के लिए, यहाँ तक कि घर के लेडीज़ भी आके ये सहूलत को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तमाम लोगों को एक सिक्योरिटी के तहत एक अच्छी तरीके से एक हाइजेनिक मार्केट, लोगों को जो है कोई बीमारी नहीं आए जैसा साफ़ सुथरी मार्केट यहाँ पे तैयार की जा रही है। जो 50-60 साल में पिछले लोग तरक्की नहीं करे, आज वो तरक्याती काम भोदन में जारी और सारी है। हर तरीके से यहाँ पे बस्ती दवाखाना हमारे डब्बू भाई के वार्ड में भी स्टार्ट किए थे, अभी हमारे राधा कृष्णा साहब धूप सिंह के वार्ड में भी तमाम जो भवन से माइनॉरिटी भवन, एसटी भवन, एससी भवन, बीसी भवन, ये तमाम भी जो है यहाँ शक्कर नगर में बनाए जा रहे हैं। जो शक्कर नगर की जो पुरानी रौनक, जो शक्कर नगर की खूबसूरती है, उसको वापस लाने की पूरी जद्दोजहद हमारी है। मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल भी, शक्कर नगर का जो पुराना दवाखाना है उसको मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। तो बेहतरीन तरीके से तरक्की हो रही है, खसूसी तौर पर ये वार्ड पे हमारे नज़ीर साहब भी, डब्बू साहब भी बहुत तरक्की करें। ज़रा कभी कभी तबीयत ख़राब होते रहती, लेकिन काम तो जो है अच्छा करते। मैं बद पीछे भी तारीफ़ करता हूँ कि डब्बू का काम देखो, दूसरे वार्डों में भी मैं कई काउंसलर्स को बोला कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा पाइपलाइन करे, वाटर की पाइपलाइन करे, लास्ट टाइम भी आप लोग भी ऐसा करो बोल के मैं एग्जाम्पल दे के बोला। अच्छा काम है और 45 लाख रुपये के अभी डिवाइडर्स भी यहाँ पर डाले, और आगे चल के भोदन टाउन में हर वार्ड में तकरीबन 1-1 करोड़ रुपए काउंसलर्स को देके वहाँ पे हर वार्ड की तरक्की की जाएगी। कोई यहाँ पे पार्टी बेस नहीं है, कोई टीआरएस, एमआईएम, बीजेपी, कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। भोदन टाउन की तरक्की करना हमारा एम है और हर वार्ड की, हर गली की तरक्की होंगी। कोई काउंसलर को नीचा, कोई काउंसलर को ऊपर देखने का हमारा कोई हमारा इरादा नहीं है। हम पक्का जो है बड़ा। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे तूफा, तूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्दों खवातीन के लिए यकसा मुफीद तूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर आसानी दस्तियाब। तूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश, आज ही इस्तेमाल कीजिए तूफा हर्बल हेयर ऑयल।